हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में लोटस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंदौरा की दो छात्राओं ने बोर्ड की टॉप 10 मेरिट सूची में नाम दर्ज किया है। इससे पूरे क्षेत्र, स्कूल प्रबंधकों व स्कूल स्टाफ में भारी उत्साह व खुशी है। स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा श्वेता पुत्री जीवन सिंह ने 93.6% अंक लेकर कॉमर्स संकाय में प्रदेश भर में 7वां स्थान व जिला कांगड़ा में प्रथम स्थान हासिल कर बोर्ड की टॉप 10 लिस्ट में नाम दर्ज करवाया है। वहीं इसी स्कूल की छात्रा अदिति पुत्री कमल सिंह ने भी कॉमर्स संकाय में 92.8% अंक लेकर प्रदेश में 10वां और जिला कांगड़ा में दूसरा स्थान हासिल किया है। छात्रा श्वेता ने बताया कि उनकी इस उपलब्धि का श्रेय उनके दादा दादी, माता पिता, स्कूल के चेयरमैन और सभी शिक्षकों को जाता है, जिन्होंने समय समय पर मुझे पढ़ाई में मार्गदर्शन किया। श्वेता ने कहा कि वह पढ़ाई पूरी करके आईएएस ऑफिसर बनकर देश की सेवा के साथ साथ उपमंडल इंदौरा का नाम भी रोशन करना चाहती है। आई वॉन्ट टू बी एन आईएएस ऑफिसर और मैं अपने फुल एफर्ट्स करूंगी, जो मेरे से बन पाएगा मैं करूंगी आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। वहीं इसी स्कूल की छात्रा अदिति पुत्री कमल सिंह ने भी कॉमर्स संकाय में 92.8% अंक लेकर प्रदेश में 10वां और जिला कांगड़ा में दूसरा स्थान हासिल किया है। CA बनना चाहती हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये मैंने 10th के बाद डिसाइड किया था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगी और इसीलिए मैंने कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया। ये सारा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को, चेयरमैन सर, प्रिंसिपल मैम, अभिषेक सर, मेरे टीचर्स और स्पेशली वंदना मैम को देना चाहूँगी। मुश्किलें तो कुछ नहीं थी, बस मेहनत की ज़रूरत होती है। पढ़ना अगर मेहनत करो तो हमेशा सक्सेस मिल जाती है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेहनत करो, टफ कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईजी है, बस मेहनत की ज़रूरत है। स्कूल के चेयरमैन VS चिप, प्रिंसिपल मधु चिप और अभिषेक चिप ने समस्त स्कूल स्टाफ और अभिभावकों को बधाई दी है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए ठाकुर द्वारा इंदौरा से गगन ललगोत्रा की रिपोर्ट।